नमस्ते एवरी वन आई एम सुप्रिया एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग सो गाइस कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम एक्चुअली ये भी बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों पहले तक कोई प्लान नहीं था मैं हर साल जाती हूँ आंवले के नीचे खाना खाने लेकिन इस बार का कोई प्लान नहीं था लेकिन एक रात पहले ही बुआ का कॉल आया और उन्होंने बोला कि हम लोग जा रहे हैं तो मैंने बोला ठीक है चलिए चलते हैं तो मैं और मम्मी हम लोग चल गए थे वहाँ पे तो देखो भाई आज तो पापा भी नहीं थे घर पे तो कैसे जाते लेकिन मैंने फटाख से उदय को कॉल किया और वो आ गया अपना ई रिक्शा लेके और उसने हमें वहाँ पे छोड़ दिया मम्मी आते ही यहाँ पे काम पे लग गई हैं बुआ तो वैसे भी काम कर रही थी वहाँ पे खाना बना रही थी और मम्मी आते ही यहाँ पे अपनी मछलियों को खाना खिला रही है वो हमेशा आती हैं यहाँ पे मछलियों के लिए खाना खिलाने के लिए और कुछ न कुछ वो खिला के ही जाती हैं मतलब टाइम निकाल के आती हैं तो खिलाती हैं तो सोचो अगर आई हैं तो वो खिलाएंगी ही ना क्यों नहीं खिलाएंगी तो लगे हाथ मैंने भी खिला दिया मैंने सोचा मैं भी खिला देती हूँ इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं ना इसमें कि मैं क्या गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बहुत सारे लोग थे वहाँ पर तो यहाँ पे मैं भी खिला रही हूँ दीदी भी खिला रही थी और उसके बाद लगे हाथ भैया भी थोड़ा बहुत खिला दिए चलो खिला देते हैं गाइज आपको थोड़ी सी मेरी वॉइस एंड मैं भी थोड़ी सी अजीब सी लग रही हूं ना यस मेरा उतना ज्यादा मतलब थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम है समझ जाओ आप वहाँ जाते ही मम्मी ने पूजा किया था तो वो प्रसाद चढ़ाई थी तो वही दीदी लेके डांस कर रही हैं एंड गाइस आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है यहाँ पे हर साल इसी तरीके से भीड़ लगती है आंवले के नीचे खाने के लिए सब लोग कुछ ना कुछ बनाते हैं यहाँ पर बुआ ने भी इतना सब कुछ बनाया था कुछ खाना उन्होंने घर से बना के लाया था और कुछ यहीं पर बनाई थी वो जैसे कि दाल चावल अन पकौड़ी वो यहीं पर बनाई थी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया मैंने सोचा नहीं था कि मैं जाऊँगी इस बार इस बार जा पाऊँगी क्योंकि पहले ही प्लान बना हुआ था और फिर कैंसिल हो गया था कि चलो नहीं जाना है लेकिन बुआ का कॉल आया तो मैं तो बहुत खुश हो गई थी और आपको मैं बता दूं कि ये भैया क्या कर रहे हैं एक्चुअली भैया को बचपन से ही आदत है कि उनके थाली में अगर गरम चावल दिख जाए ना तो वो ऐसे ही खाने लगते हैं उनको बहुत पसंद है बचपन से ही वही बात मम्मी बता रही हैं और यहाँ पे सब लोग हंस रहे थे और आपको पता है गाई मंदिर के पीछे ही आ, कुछ रूम बने हुए हैं शादी करने के लिए मैं बस ऐसे ही गई थी दिखाने बुलबुल दी को कि चलो थोड़ा घूम लेते हैं हम लोग और वहाँ पे हम लोग गए तो सच में शादी हो रही थी क्या बात है तो हम लोगों ने एंजॉय भी किया देखा भी और वो लोग कंफ्यूज थे कि हम लोग किस तरफ से है भैया बोले कि चलो तुम लोग को बाहर घुमा देता हूँ तो वहां ले जाके बोल रहे है कि यहाँ से ये रिक्शा पकड़ो और चुपचाप घर चले जाओ अकेले जाने के बारे में सोचो अकेले जाओ मैं आप बोल रही आप तो घुमाने लाए थे हमें तो कुछ यही हुआ उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको ये ब्लैक कलर में ड्रेस में जो लड़की है उस सिर्फ नाम कर है यार कि हाँ उसने मछली को खिलाया ध्यान से जरा उसको देखना बहुत हम लोग हंसे थे घर आने से पहले हम लोगों ने कॉफ़ी एंड नींबू खाया था उसके बाद हम लोग शाम हो गया तो घर वापस आ गए थे गाइज आज मैं मिनी व्लॉग बनाने वाली थी बट इतने प्यारे प्यारे क्लिप्स थे कि मेरा मन ही नहीं किया कि मैं डिलीट करूं तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ एक मिनी व्लॉग ही शेयर कर देती हूँ आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय